सिद्धू मूसेवाला कित्थे है? दुनिया के उत्तों तो चला गया, हर एक बंदे नूं पता कि दुनिया तो उचल गया वै, लेकिन हूँ कित्थे? असी मुसलमान की समझने, असी मुसलमानां दा ये है कि जदों बंदा दुनिया तो चल जाता वै, या जन्नत विच जाता वै या दोजख विच जाता वै, लेकिन वह क्योंकि वह सिख सीगा, सिख भी मुसलम जिहड़ा सिख है, सिख भी जन्नत विच जाएगा। लेकिन पहले आप वीडियो देखने कि सिद्धू मूसेवाला कित्थे है, फिर आप गल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आज एक अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं गुज़श्ता रोज़ होने वाले वाक़े से मुतालिक। दोस्तों, भारत में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सिख सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धूवाला को कत्ल कर दिया गया। सिद्धूवाला पंजाबी जबान के पॉपुलर सिंगर थे और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते थे। 27 साल पंजाबी सिंगर को उनके गाँव में उस वक्त कत्ल किया गया जब वो जीप पर घर से बाहर जा रहे थे। सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से हार गए थे। चंद रोज कबल उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद उनके कत्ल का वाकया पेश आया। नाज़रीन, सिद्धू के कत्ल की वजह जो भी हो, लेकिन उनकी वफात पर हर मजहब हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद गमजदा हैं। उनके चाहने वाले दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, यहाँ पर बुनियादी नुक्ता जो सामने आता है वो ये है कि सिद्धू जिनका ताल्लुक सिख मजहब से था, क्या वो जन्नत में जाएंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब हम खुद तो नहीं दे सकते। इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या मौकिफ है, आइए आपको सुनवाते हैं। अब हम तस्किरा करेंगे सिख मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। सिख मजहब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में और इसके बानी थे गुरु नानक साहब, और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो पांच नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं, वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। यह सिख मजहब तादाद में दुनिया में छठे नंबर पे आता है और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज्म सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है, और सिखिज्म सिख मजहब आता है लफ्ज शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब, और 10वें गुरु है गुरु गोविंद साहब। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मजहब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा क है कृपान, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और पांचवा क है कचा, जिसे कहते लॉन्ग अंडरड्रॉल। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान,
जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं, वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है ना किसी को जन्म देता है, वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब कर्म वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहेब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहेब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिरन न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। हाय 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 हाय, ये लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ करता है, लेकिन जब अल्लाह सुबहाना व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मजहब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। हाय 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 हाय, मेरे को तुझे सच्ची गल पूछना अज, जिदा मतलब कि एक मुसलमान दुनिया का सब तो वड्डा जिहड़ा मुसलमान वड्डा, मतलब जिदा सिखा दे बारे, सिखिज़म दे बारे दसन दिया सीगा कि सिख लोग मतलब कि सिखिज़म एक किस तरह का वै, सच्ची पूछो कि सुन के आनंद ही आ गया। खास तौर पर जी उन्होंने एक गल की गुरु ग्रंथ साहिब जी के विचों कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिखा वै कि अल्लाह ताला वाहे गुरु नु मुश्किल वक्त दे विच ते हर एक बंदा ही याद करता वै। ते मज़ा तो ता वै जे मुश्किल ना हो, जे आसानी दे विच अल्लाह ताला वाहे गुरु नु याद किया जाए। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच ये है कि जे अगर तुसी आसानी जो जो ताडे उत्ते अल्लाह ताला वाहिगुरु ने मुश्किल नहीं लियांदी, फिर तुसी अल्लाह ताला वाहिगुरु नु याद करो तो अल्लाह ताला वाहिगुरु कदी ताडे उत्ते मुश्किल, अगर मुश्किल भेजेगा तुहानू मुश्किल नहीं लगेगी, तुहानू वह भी अल्लाह ताला वाहिगुरु की, अल्लाह ताला की रज़ा ही लगेगी। मतलब कि तुसी मुश्किल नु फील नहीं करोगे। हाय 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 यार, वैसे सच्ची गल पुछो, सुन के तो आनंद ही आ गया। अच्छा फिर बिच जी एक गल की वाहेगुरु है, वाहेगुरु होर नहीं है, अल्लाह ताला होर नहीं है, अल्लाह ही है, लेकिन वाहेगुरु। अच्छा वाहेगुरु का जड़ा इन्होंने मतलब दसया डॉक्टर जाकिर नाइक ने, वो ये दसया वै कि सच्चा खुदा, वाहेगुरु का मतलब यह है कि सच्चा खुदा, अल्लाह एक ही है। सिखिज़म के मुताबिक भी सिख भी यही कहें कि अल्लाह ताला एक ही है,
किसे दी पूजा पाठ ही नहीं करनी, किसे दे अगे किसे दी कोई मूर्ति नहीं है, किसे दे अगे झुकना नहीं है, सिर्फ सिर्फ अल्लाह ताला वाहेगुरु एक है। तो यही चीज़ मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह एक है वो अगे ही झुकना है। तो मुसलमाना का एक होर मैसेज की है पूरी दुनिया, बल्कि मेरा मुसलमान का भी पूरे सिखा पूरी दुनिया यही मैसेज है, अल्लाह एक है, साडा आखिरी नबी है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तो बाद कोई नबी नहीं है, बस इन्नी गल है। बस ये मेरा एक पूरी दुनिया में पैगाम, अगों कोई समझे तो भावें कोई ना समझे, यही चीज़ लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, मतलब इस तरह के मूल मंत्र है। तो उहदे विच यही लिखा कि अल्लाह ताला वाहेगुरु एक ही है, उहदे तो सिवा वो सच्चा वै उन्हू किसी का कोई भार नहीं गा। जी इन्होंने शुरू तो गल की सिद्धू मूसे वाले की कि सिद्धू मूसे वाला हूण कित्थे है, जहनम च है, जन्नत च है, हैगा कित्थे है, इस तरह से मैनू में कोई गल नहीं लभी। हाँ अलबत् लोग इदा दल्ला बातें कर दे कि वह शहीद होया वै या कि दुनिया या मतलब कि मर गया वै, इदा के लफज। अच्छा देखो मेरी गल सुनो, हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच एक अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरे हिसाब के नाल जो मैं समझना वै वो एक हक के उत्ते बोलता सीगा, एक सच के उत्ते बोलता सीगा। तो मेरे हिसाब के नाल आप शहीद नहीं कह सकते। तो लोग हूँ कहें कि सिद्धू मूसे वाले नूं फैर वजे है, ये तो दुनिया तो गया वै, दीप सिद्धू क्यों शहीद है, वह भी तो एक्सीडेंट ही मरिया वै, मतलब कि वह कहड़ा कोई बार्डर से या कोई मतलब कि तलवार लैके बाहर निकलिया सीगा। नहीं, दीप सिद्धू के जो मैं समझना वै, दीप सिद्धू दे विच वो एक मैदान दे विच उतरिया सीगा, उन्हें अपना घर बार हर शह छड के मैदान दे विच उतर के उन्हें मतलब कि एक वो अपनी कौम दे नाल अपने मतलब कि अपने वो एक मतलब मेरा कहना है कि हैगा वह भी हक सच के उत्ते सीगा, लेकिन वो एक मैदान पर उतरिया सीगा। सिद्धू मूसे वाला मैदान पर नहीं उतरिया, इन्हें सिर्फ सिर्फ बोल बोले है, इन्हें सिर्फ हक की सपोर्ट की है। इस करके हक की सपोर्ट करने वाला बंदे आप शहीद नहीं आप कह सकते, शहीद उही है जिहड़ा विच मैदान दे विच उतरे, जिहड़ा विच मैदान पर उतर के अपनी जान कुरबान कर दे, हक के उत्ते खलोवे, तो जिहड़ा अपनी जान कुरबान कर दे वह शहीद है, जो मैं समझना वै। क्योंकि इतों तो मैं भी यही मैं कही जावगा कि ठीक क्या उन्हें, मैं हक की मैं भी सपोर्ट करी जावगा, हर एक बंदा हक की सपोर्ट करी जाएगा, बोली जाएगा, लेकिन नहीं असल गल है कि मैदान दे विच उतरो तो फिर वह जाएगा तो फिर वह शहीद है। बस बाकी वीडियो दे विच बड़ी ज़्यादा अच्छी बड़ी अच्छी इनफॉर्मेशन सी, तो सुनन दा एक बड़ा ज़्यादा एक आनंद आंदा सीगा। तो बाकी जो मैं अपनी मुसलमानी की नज़र में जो मैं समझना सी मैं तुहानू दस दिता, बाकी तुहाडा ही ख्याल है, तुहाडी किराए तुसीं लगे कमेंट बॉक्स लाजमी दसो। इस सीआई दी वीडियो मिलेंगे तुहानू अगली वीडियो वास्ते, ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह।